नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइफ टाइम्स टीवी। आपके साथ मैं हूं वर्षा और मेरा स्ट्रीम पर साथ दे रही हैं वैकेंड पर विशाल सुख जी। आप उनके बीच में हाजिर हैं मौसम की अपडेट लेकर। हिमाचल प्रदेश में मौसम कैसा रहने वाला है और मौसम को लेकर मौसम विज्ञान केंद्र का क्या पूर्वानुमान है, ये जानकारी आपको देंगे। रोजाना आपको बताते हैं हिमाचल प्रदेश के मौसम के बारे में क्या कुछ कहना है विभाग का, ये जानकारी भी आपको देते हैं और आप तक पहुंचाते हैं मौसम की अपडेट। तो चलिए, हम मौसम की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहने वाला है और विभाग का मौसम को लेकर क्या कुछ कहना है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो बर्फबारी के बाद अब प्रदेश जो है शीतलहर के प्रकोप को सहन कर रहा है, क्योंकि अभी जो ठंड है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और काफी ठंडी हवाएं होने की वजह से ठंड भी रोजाना बढ़ रही है। इस बीच जब बात करते हैं तो अभी अगर जहां जहां बर्फबारी हुई है अभी तक कुछ जगहों का जो कुछ क्षेत्रों का तापमान है वो माइनस में चल रहा है, क्योंकि जो बर्फबारी है वो काफी ज्यादा इस बार देखने को मिली है और जो पहले बर्फबारी हुई थी वो ही पिघली नहीं थी, अभी वो ही खत्म नहीं हुई थी, उसके बाद जो है दोबारा बर्फबारी हुई है। तो उस बीच कहीं ना कहीं ठंड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और अभी तक बहुत सारे क्षेत्रों में जो है सड़कें बहाल नहीं हो पाई हैं, जिस वजह से लोगों को काफी सारी परेशानियों का जो है सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यातायात बहाल नहीं होगा तो काफी सारी दिक्कतें जो है देखनी पड़ती हैं। और अभी तक अगर बात करें तो 299 सड़कें बंद पड़ी हुई है, जहां पर विभाग जो है लोक निर्माण विभाग लगातार रास्तों को बहाल करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन बर्फबारी ज्यादा होने की वजह से जो है पूर्ण रूप से भी रास्ते जो है बहाल नहीं हो पाए हैं। इसी बीच अगर बात करें तो 6 दिन हो गए हैं और हरिपुर नाहन रोड जो है अभी तक नहीं खुल पाया है, जिस वजह से क्षेत्रवासियों को जो है काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। और आपको बता दें कि ये मुख्यालय नाहन से जोड़ने वाली हरिपुर नाहन मार्ग का मार्ग है जो अभी 6 दिन हो गए हैं बर्फबारी के बाद, तो ये नहीं खुल पाया है अभी। इससे लोगों को काफी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। 10 से 14 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है जहां पर लोगों को पैदल चलना पड़ रहा है इस बर्फबारी में। और अगर बात करें तो 4 JCB मशीनें जो है वहां पर लगाई गई हैं और थ्यानबाग बडियाल्टा व डूम के बाद में कई स्थानों पर जो है 3 फुट से अधिक बर्फबारी होने के कारण जो है काम शुरू भी नहीं हो पाया है और 2 दिन का समय जो है और अभी लग सकता है। जो इस क्षेत्र से जुड़े लोग हैं हरिपुर धार नाहन रोड जिन लोगों के नजदीकी है उन लोगों को हम बता दें कि अभी विभाग का कहना है कि 2 दिन अभी और लग सकते हैं, क्योंकि 3 फुट के आसपास जो है बर्फबारी यहाँ पर हो रखी है, तो काफी ज्यादा अभी यहाँ पर समय लगने वाला है। और इसी के साथ बात करते हैं क्योंकि बर्फबारी के बाद जो है ठंड कहीं ना कहीं बढ़ गई है और बर्फबारी गिरने के बाद जो है रास्ते बंद है, तो कहीं बिजली आपूर्ति बाधित है, तो कहीं जल संकट जो है लोगों को देखना पड़ रहा है। ये सभी समस्याएं जो है बर्फबारी के बाद लोगों को देखनी पड़ रही है और पूरा प्रदेश जो है इस वक्त शीतलहर की चपेट में है, क्योंकि काफी ज्यादा ठंड जो है इस वक्त हो चुकी है। अब बात करते हैं तो चंबा की जो धरती है वो हिली है। अब बात करें तो बीती शाम जो है चंबा में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, करीब 9:15 के करीब ये शाम के समय चंबा में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो आपको बता दें कि रिक्टर स्केल पर इसके जो तीव्रता थी वो 3.4 मापी गई है और इसकी जो लेंथ और लंबाई कितनी रही है ये बता देते हैं, 32.79 और कितना लंबा था ये 76.35 और 5 किलोमीटर तक के एरिया में ये भूकंप के झटके जो है महसूस किए गए हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं अब दोबारा से जो है एक बार फिर भूकंप के झटकों का दौर जो है शुरू हो चुका है। पहले भी जब ठंड की शुरुआत हुई थी, सर्दियों की शुरुआत हुई, तो उस वक्त भी काफी जगहों पर भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। बात करें चंबा, कांगड़ा, शिमला, मंडी, इन सभी जगहों पर भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, लेकिन एक बार फिर से जो है भूकंप के झटके जो है चंबा में महसूस किए गए हैं। बीती रात जो है 9:15 के आसपास ये भूकंप के झटके जो है चंबा जिला में महसूस किए गए हैं और 5 किलोमीटर तक के एरिया में ये भूकंप के झटके थे। और इसी बीच अगर बात करें अब कि मौसम विज्ञान केंद्र का क्या कहना है मौसम को लेकर, आने वाले दिनों को लेकर क्या कहना है, तो अभी बात करते हैं तो आज अच्छी धूप खिली हुई है और बीते दिन भी अच्छी धूप खिली हुई थी, लेकिन जो ठंडी हवाएं हैं वो कहीं ना कहीं धूप का मजा जो है किरकिरा कर देती है, क्योंकि इतने दिनों बाद जो है सभी लोग जो है धूप में बैठ रहे हैं, धूप का सहारा ले रहे हैं। लेकिन इस बीच अगर बात करें तो कहीं ना कहीं ठंड ज्यादा होने की वजह से जो है धूप का प्रॉपर तरीके से पता नहीं चल पा रहा है। और इसी बीच अगर बात करें तो आपको बता दें कि अभी 1 तारीख तक मौसम साफ रहने की बात की गई है, यानी कि फरवरी माह की जो शुरुआत होगी वो साफ मौसम के साथ होने वाली है और आज 28 तारीख है और 1 तारीख तक जो है मौसम साफ रहने का यहाँ पर पूर्वानुमान मौसम विभाग द्वारा जताया गया है। ये अच्छी बात है क्योंकि अभी बर्फबारी और बारिश होने के बाद जो है काफी ज्यादा ठंड जो है प्रदेश में बढ़ चुकी है।
अब अगर बात करते हैं तापमान की कि कहां कितना तापमान बना हुआ है, तो आपको जानकारी दे दें, न्यूनतम तापमान आपको बताएंगे रोजाना की तरह कि कहां कितना तापमान बना हुआ है। तो सबसे पहले राजधानी शिमला की ओर रुख करते हैं, तो शिमला का तापमान जो है न्यूनतम तापमान वो 2.0 है, सुंदरनगर का -0.3 है, भुंतर की बात करें तो 0.4, कल्पा का -5.4 है, और धर्मशाला का 2.2 है, ऊना का 4.4, नाहन का 7.7 और केलांग का जो है -16.7 है। केलांग का तापमान जो है लगातार सबसे ठंडा चल रहा है और सबसे ठंडा क्षेत्र है जनजातीय इलाके। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं तो पालमपुर 0.5 है, सोलन 1.5, मनाली 3.0, कांगड़ा 3.0, मंडी है 3.5 है, बिलासपुर 4.0, हमीरपुर 4.2 है, और इसी बीच चंबा का तापमान 2.0 है, और अगर बात करें कुफरी की तो -3.4 है, जुब्बड़हट्टी 2.4 है, और पौटा साहिब 6.2। तो देखिए मैक्सिमम जगह का जो है तापमान वो माइनस में चल रहा है, काफी ज्यादा ठंड जो है अभी प्रदेश में देखने को मिल रही है सभी जगहों पर, तो माइनस में जो है सारी जगहों का तापमान जो है अभी माइनस में चल रहा है। कुछ एक जगह है जो हमारे मैदानी क्षेत्र है वहां का तापमान जो है थोड़ा ज्यादा है, लेकिन बाकी जगह पर जहां पर ज्यादा बर्फबारी हो चुकी है, शिमला कुछ पर्वतीय इलाकों की बात करें या फिर मनाली की बात करें, लाहौल स्पीति के इलाकों की बात करें, तो वहां पर काफी ज्यादा ठंड जो है इस वक्त हो गई है, क्योंकि 3-3, 4-4 फुट जो बर्फबारी है इस बार हुई है वहां पर, क्योंकि पहले की जो बर्फबारी है वो ही नहीं खत्म हुई थी कि दोबारा जो है बर्फबारी का दौर देखने को मिला। तो इसी बीच आपको बता दें कि जिस तरह से मैंने आपको बताया कि 299 सड़कें जो है अभी भी बंद पड़ी हुई है जिन्हें बहाल करने का कार्य चल रहा है, 92 पेयजल स्कीमें भी बंद पड़ी है, पेयजल का संकट की बात मैंने की थी, तो 92 सड़कें जो है अभी पेयजल योजना जो स्कीम्स जो है अभी बंद पड़ी हुई है, और इसी बीच जो है काफी सारी समस्याएं जो है अभी जनजातीय इलाकों में दुर्गम क्षेत्रों में देखने को मिल रही है, क्योंकि लोगों को बर्फबारी के साथ ही साथ ठंड काफी ज्यादा सामना करना पड़ रहा है। तो अभी मौसम विज्ञान केंद्र का जो पूर्वानुमान है वो 1 तारीख तक यानी कि फरवरी माह की जो शुरुआत की बात की गई है, तो वहां पर अभी 1 तारीख तक अगर बात करें तो मौसम साफ रहने की बात की गई है, और रोजाना किस तरह से मौसम विज्ञान केंद्र का क्या कुछ अलर्ट है, क्या कुछ कहना है, ये जानकारी आपको रोजाना देंगे। तो इसके लिए आप लोगों को लाइफ टाइम्स टीवी देखते रहना है, लाइफ टाइम्स टीवी के पेज को लाइक करना है, फॉलो करना है, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना है ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, पूरे प्रदेश भर का घटनाक्रम जो है आप लोगों को रोजाना आपके फोन के माध्यम से ही पता चलता रहे। तो आज के लिए इतना ही, और मौसम विज्ञान केंद्र का क्या कुछ कहना है ये जानकारी आपको दी, तो देखते रहिए लाइफ टाइम्स टीवी, आपके साथ मैं हूं वर्षा, धन्यवाद।